अकॉर्डिंग टू क्रिकबज सोर्सेज आप क्रिकबज का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, एसआरएच की रिटेंशन लिस्ट आ गई है। और हाँ, क्लासेन को मिल रहे हैं 23 करोड़। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि जो आईपीएल का जो रिटेंशन की पॉलिसी थी, जो पहला प्लेयर को रिटेन करना था अगर फ्रेंचाइजीज को किसी को देना, तो वो 18 करोड़ था। लेकिन एक रूल ये भी था, आपने उस रूल पे ध्यान नहीं दिया, कि मैक्सिमम 75 करोड़ आईपीएल रिटेंशन में खर्च कर सकती हैं फ्रेंचाइजीज। अगर किसी को 23 करोड़ फ्रेंचाइजीज दे रही हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि रेड्डी को, नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ 6 करोड़ मिल रहा है। तो जो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू तो लास्ट में 11 करोड़ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन 6 करोड़ मिल रहा है। तो ये नई पॉलिसी के तहत ये है, नई रूल के तहत ये है कि अगर किसी प्लेयर को ज्यादा दे रही है फ्रेंचाइजी, तो कुछ प्लेयर का कम करना पड़ेगा। और अमाउंट डिफर कर सकता है, जैसे आप देखिए एसआरएच का ही कितना मिला है, क्लासन को 23 करोड़, कमिंग्स को 18 करोड़, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को मिल रहे हैं 14 14 करोड़, और जो फाइनल रिटेंशन, जो पांचवा रिटेंशन उनका है, नीतीश कुमार रेड्डी, उनको मिल रहे हैं सिर्फ 6 करोड़। तो मुझे जो लग रहा है आईपीएल रिटेंशन में, आप भी बताइएगा कि क्या 23 करोड़ क्लासन के लिए ज्यादा तो नहीं है, आप अपनी राय रखिएगा। और हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी को ऑक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि 6 करोड़ तो नहीं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है प्लस इंडियन है, बॉलिंग उनकी अच्छी है प्लस उनकी हिटिंग एबिलिटी भी अच्छी है, और किसी नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो उनका जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम है, पैसा उनको कम मिला है। वो मिनिमम अगर ऑप्शन में आते तो 10 12 करोड़ या ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजीज उनके पीछे भागती, क्योंकि बहुत कम ऐसे इंडियन ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मेगा ऑक्शन से रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, हम आपको देते रहेंगे। ये ऑफिशियल क्रिकबज का सोर्स है, आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी अपडेट किया है कि एसआरएच की रिटेंशन लिस्ट ही है। तो सभी अपने अपने सोर्सेज लगा रहे हैं, और अब धीरे धीरे कल शाम तक तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि डेडलाइन हुए कल शाम 5 बजे तक है। तो जो आईपीएल से रिलेटेड, रिटेंशन से रिलेटेड वीडियोज आएंगे हमारे चैनल पे, तुरंत मिल जाएगा आपको, तुरंत वीडियो उस पे आएगा, जो भी न्यूज़ आएगी आगे अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्लासन को 23 करोड़ ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है।